तो सुबह की शुरुआत तो ऐसी हुई है फिर हमारे नीचे जाने के साथ। आपको मिलेंगे थोड़ी देर में, आप सोचो चल गया है अचानक से, मेरी जो 2 सेकंड की बातें कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, बता दो। तो भैया आज हो चुकी है सुबह की शुरुआत, आज हम भोपाल में, और आज से मैंने सोचा यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा बिहाइंड द सीन्स चल गया है। एक्चुअली हम आए भोपाल में टावर इंस्पेक्शन जो होता है ना, हाई टेंशन लाइन, उसमें जो टावर्स हैं उसका इंस्पेक्शन के काम से, इंस्पेक्शन मतलब थर्मल ड्रोन से इंस्पेक्शन। ये हमारे रोहित भाई ये आ चुके हैं। तो अभी प्लान किया है, हम वैसे तो 10 दिन से भोपाल में हैं, पर आज हम जा रहे हैं, आपका नितिन भाई लोग भी आ गए हैं भोपाल एयरपोर्ट। तो अभी प्लान ऐसा है, नितिन भाई लोगों को हम लेने जा रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट की तरफ, और ये हमारे रोहित जी हैं, ये हमारे मित्र हैं भोपाल से। तो चले रोहित जी, चलो। ओ भाई, तो भोपाल में हमें 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पर मैं एक भी व्लॉग नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये कि जब हम फील्ड वर्क में जाते हैं थर्मल ड्रोन से इंस्पेक्शन करने, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और सच बताऊँ तो आज सुबह सुबह मेरे को अभी दीपक दा की कॉल आई, दीपक दा ने मुझसे कहा कि अमित भाई तुम व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, तुम व्लॉग बना सकते हो, 10 मिनट का तो व्लॉग बनाओ जहाँ भी जा रहे हो। मैंने कहा यार, बड़े ध्यान से मैंने सोचा, फिर मैंने कहा यार मैं भोपाल में आया हूँ और अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, तो चलो कोशिश करते हैं। हालांकि वैसे तो मेरे को टाइम मिलता नहीं है ड्रोन फ्लाई करते करते, पर हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी आपको नज़ारा है यहाँ का, कुछ गाँव है, क्या नज़ारा है, कैसे लोग हैं, वो दिखा सकें तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज का प्लान इतना है बस कि आज नितिन भाई लोग को अभी पिक करने जाएंगे, नितिन भाई लोग इधर आएंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी साइट की तरफ। आपको दिखाएंगे साइट पे काम कैसे होता है, एग्जैक्टली क्या सीन है, प्यारे प्यारे खेत, प्यारे प्यारे लोग और बहुत कुछ। तो फिलहाल दिखा रहे हैं आपको हम भोपाल के नज़ारे। तो कुछ इस तरीके से मैं, सौरभ भाई और रोहित भाई लेने चले गए नितिन भाई और अदनान को भोपाल एयरपोर्ट से। तो जैसे ही हम भोपाल एयरपोर्ट पहुँचे तो हुआ क्या कि उस दिन थी 25 तारीख जिस दिन नितिन भाई लोग पहुँचे, तो भोपाल एयरपोर्ट पे जो पुलिस की गाड़ी लगी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने कहा कि कल 26 तारीख है और सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया। तो जैसा कि हमारा पहला ब्लॉग बन रहा है आज का, और आज हम रिसीव करने आए थे नितिन भाई लोगों को, नितिन भाई लोग भी सामने से आ चुके हैं, ये देखो ये। हाँ भैया, कहाँ भैया, कहाँ कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो, ये क्या हालचाल है भैया, ये छोटू रखा है क्या नया, क्या हालचाल है नितिन भाई, ये देखो ना के आए हो। हाँ सर, नहीं सर, ठीक ठीक ठीक। तो फाइनली नितिन भाई और अदनान आ गए थे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब सीधे निकला जाए फील्ड की तरफ। फील्ड का मतलब है जहाँ हमें करना था टावर का इंस्पेक्शन। तो कुछ इस तरीके से हम निकलते हैं अपनी साइट के लिए, अपनी फील्ड वर्क के लिए। और देखो गाड़ी में आज कल तक तो हम 1, 2, 3, 4 जने होते थे, बेसिकली मैं, सौरभ भाई, मेघला जी और जो हमारे उस्ताद हैं जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पर आज इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने टोटल। मैं दिखाता हूँ, ठीक मैं वो आगे जो बैठे हैं वो है मेघला जी हमारे लाइनमैन, सामने उस्ताद जी हो गए, ये नितिन जी हो गए हमारे, अदनान भाई हो गए, ये सौरभ भाई। तो मैं और सौरभ भाई तो भोपाल में 10-12 दिन से रह रहे हैं, बाकी आज नितिन भाई लोगों का day 1 है इधर। और गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसा कुछ खास दिखाने को है नहीं, जब फील्ड में जाएंगे टावर नंबर आज हम जाने वाले 58 पे, तब मिलेंगे हम आपको। तो हम पहुंच चुके अपनी पहली लोकेशन पे आज की, जो एग्जैक्ट हमारे पीछे आपको टावर दिख रहा है, ये है टावर नंबर, ये टावर नंबर मेघलाल जी 60 है ना, ये टावर नंबर 60। तो यहाँ से हम करेंगे 2 पीछे की तरफ और 2 आगे की तरफ, बेसिकली हम ड्रोन से एक लोकेशन से 3 टावर इधर और 3 टावर इधर कवर करते हैं, ऐसा कुछ सीन है। और आपको मिलवाते हैं हमारे जो क्रू है आज का उनसे, ये हमारे मेघलाल जी, ये हैं हमारे लाइनमैन, और उस्ताद जी तो शायद बैठे ही बैठे हैं, बाकी अदनान जी को तो आप जानती हैं, लास्ट टाइम ब्रह्मताल ट्रैक पे आए थे हमारे साथ, सौरभ भाई को आप जानते ही हो, और वो रहे नितिन जी। तो अभी समय है काम स्टार्ट करने का, काम स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो यार देखो, वैसे तो दीपक दा ने मुझे बोल दिया कि व्लॉग बना लेना, पर हम ड्रोन फ्लाई करते हैं, करते जाते हैं, लैंड कराते हैं, बैटरी स्विच करते हैं, फ्लाई कर देते हैं, कहाँ है दीपक दा टाइम, आप ही बोल लेते हो व्लॉग बनाने को, तो मैं आपके लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ, और बाकी जितना टाइम मिल गया हम व्लॉग बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ दिखाने को है नहीं। हम आपको क्या दिखाएं बताओ, ये टावर देखोगे तुम, ये टावर, या ये नितिन भाई को देखोगे, यही गाड़ी देखोगे, तो बेसिकली ऐसा ही सीन रहता है, या एक मिनट, यही खेत देखना पसंद करोगे, नहीं नहीं खेत तो हम देखो, कोई बैठा है खेत में। तो देखो अपना सीन ऐसे ही रहता है, अभी हमने यहाँ से देखो पिछले यहाँ से 1, 2, 3 टावर करे,
और यहाँ से फिर एक दो टावर किए। अब अपने को जाना है सीधे 64 नंबर टावर पे, जो कि यहाँ से 3 टावर आगे। नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो बोलो। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, सुबह का है वक्त हाथ में लोटा नहीं, खेत में जूम करके देख लेना। तो वैसे लोग तो सुबह के वक्त ही ऐसा काम करते हैं, पर अभी दिन में भी देखने को मिल रहा है ऐसा, वो बात अलग है। चलें अगली लोकेशन पे। तो ये है हमारी अगली लोकेशन, और यहाँ से हम जो टावर्स इंस्पेक्ट करने वाले हैं उसमें ये जो आपको पीछे टावर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे पीछे जो और टावर है, बेसिकली यहाँ से 4 टावर हम टोटल जो है इंस्पेक्शन करेंगे 4 टावर का। उसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करें तो हम कोई छाया वाली एरिया ढूंढें। आज बेसिकली हम कोशिश करें, क्योंकि कल परसों तो बहुत ठंडा था, तो दिन में भी ठंडा हो रहा था, आज थोड़ा गर्मी है, छाया वाली जगह ढूंढिए और यहाँ से ऑपरेट करेंगे ड्रोन। तो जहाँ पे भी हमें ऐसे कुछ पेड़ मिल जाते हैं, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है ना, यहाँ पे आपको जो पेड़ मिलेंगे कांटेदार मिलेंगे, ऐसा वाला सीन है, कांटेदार पेड़ सबसे ज़्यादा। खेती तो हर जगह देखने को मिलेगी आपको, ऐसा कुछ सीन है। और ये रहा मैं नितिन जी, ऐसा कुछ सीन है। तो काम करते हैं, आपसे मिलते थोड़ी देर में। ओए चाय, ओए तुम तो चाय की थैली लेके आ गए भाई, ये गिफ्ट कर दी क्या? तो अभी तक तो मैं और सौरभ भाई जब काम कर रहे थे तो ऐसा कुछ हमें क्या बोलते हैं अवसर प्राप्त नहीं हुआ, पर आज अदनान भाई और क्या बोलते हैं नितिन भाई आ चुके हैं, तो हमें कुछ अच्छी चीज देखने को मिली। हाँ बोलो बोलो। आप चाय पीते हैं, आप इसको क्या बोलेंगे भैया? ये बच्चा है, ये ग्लास क्या है पता नहीं, ऐसे नहीं दिखाना ना प्रॉपर, कैसे मैं कैसे समझूं? चाय डाल के हथेली पे रख के दिखाओ इसमें, लाओ दो चाय दो, तुम ऐसे दो, ये देखो अदनान भाई तुम डालो इसे पहले। यार चाय की ग्लास नहीं है ये, वो वोडका शॉट्स आते हैं, वोडका शॉट्स आते हैं ये। ये देखो मेरी हथेली पे देखो, ये वोडका शॉट्स है सर, बस चाय के शॉट्स है, सॉरी सॉरी सर, हमें चाय के शॉट्स हैं, पता नहीं सर क्या बात कर रहे हो, आपको पता होगा वो वोडका वाले ग्लास नहीं सर, पर उसमें चाय है। तो हमने भोपाल की एक खासियत देखी कि यहाँ पे चाय सब अच्छी बनाते हैं, तो फिलहाल हमें चाय मिल गई है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग खेतों में देखें तो आपको लोग काम करते हुए भी दिखाई देंगे। तो बेसिकली जो अभी लोग काम कर रहे हैं, ये जो फसल है ये गेहूं की फसल है, इसमें से घास वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये इनके जानवरों के लिए काम आई है, ऐसा कुछ सीन है। तो इलाका जो है मध्य प्रदेश का, वो बेसिकली पठार वाला एरिया, अगर आप सामने देखो यहाँ पे आपको लाल लाल मिट्टी जैसी दिखाई देगी, ऊपर एक छोटा सा पहाड़ दिखाई देगा, ऐसा बेसिकली पहाड़ नहीं है पठार है एक तरह का, तो छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे, और यहाँ का टेरेन कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब आप यहाँ काम करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। अभी ड्रोन हवर कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, पर जब टावर के ज़्यादा नज़दीक होता है तो दिक्कत होती है, व्लॉग बनाने का टाइम ऐसे मिल नहीं पाता, पर हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, फिर भी उम्मीद तो मतलब ऐसी है। फिर तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया। बेसिकली आज का टास्क वैसे तो हमारा कंप्लीट होते नहीं, हम शाम तक काम करते, 5:30 लगभग 5:40 तक, पर आज यहीं पे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि आज नितिन भाई लोग आए, तो नितिन भाई लोगों का मेडिकल अभी ड्यू है, तो आज हम जाएंगे सीधे अभी खाना खाने के बाद जाएंगे नितिन भाई लोगों का मेडिकल कराने, क्योंकि नितिन भाई लोग मेडिकल कराएंगे तभी वो फील्ड में काम कर सकते हैं बेसिकली। तो आज का कुछ ऐसा ही सीन था, और चलें फिर अब चलते हैं, एक बार नज़ारा दिखाते हैं, ऐसा कुछ है, और लेट्स गो। और उसके अलावा एक चीज़ और क्या है कि आपको मैं कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ कि जो एक गांव का वातावरण है, एक गांव का एनवायरनमेंट है, एक उसका फील है, वो किस तरीके का होता है। तो आप लोग कुछ ये शॉट्स देखिए ताकि आपको एक आइडिया आ पाए कि भाई हम किस एरिया में काम कर रहे थे, वो एरिया कैसा था। बेसिकली जो एरिया कहने का मतलब है वो पूरा ग्रामीण इलाका है, गाँव का एरिया है, तो उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ, किस तरीके का एक माहौल रहता है जहाँ हम काम करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपका मन करता है तो। और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में भी हम आपको कुछ नया दिखाएंगे, जो फील्ड वर्क है उसमें क्या कुछ हो रहा है ना। और मिलते हैं, बाय।